लोग से ध्यान है कि मैं लगातार लोग से खेलते हुए और बाइक को बहुत याद करता हूँ। दोस्तों आज 1500 वाट वाला जी सी क्यू एस इंस्ट्रूमेंटर आया हमारे पास बनने के लिए। ऑलरेडी मैंने कॉल कर रखा है, मैंने बोला ये भी भाइयों से चिट चैट करता चलूँ। दोस्तों इसका ए सी डी सी दोनों एरिया ख़राब है, इसको रिपेयर करते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले अपन को ये फ्यूज़ चेक करने होते हैं, फ्यूज़ इसके अगर ख़राब है तो अपन फ्यूज़ बना के फिर इसको ये चार ये वाले बत्तीस 05 होते हैं, ये IR 740 840 की लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरफ अपन 32.05 लगाएंगे। ये बनाने से पहले ये अपन ये चार भी उतार लेने हैं, ये चार भी उतार लेने। ठीक है दोस्तों, ये सिंगल आईसी वाला है रेल में रखना, पहले मैंने जो शेयर किया था उसमें डबल आईसी थी, इसमें सिंगल आईसी है एक आईसी। ठीक है दोस्तों, एक आईसी में तो अपने इसको उतार लेंगे। ऑलरेडी ये टूटे हुए ट्रांसफर तो ये मैंने निकाल दिया इसमें से। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसको मैं कर लूँगा साफ करके आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें चेक करनी है मास्टर में। दोस्तों एक बढ़िया भाइयों से शेयर करता हूँ, ये आज तक आप दोस्तों ने किसी से ना सुनी होगी ना इंशाल्लाह देखी होगी, तो मैं आज भाइयों को इंशाल्लाह बढ़िया टिक शेयर करता हूँ। इन्वर्टर बनाने वाले दोस्त को लिए बेहतरीन टिक होगी। दोस्तों इन्वर्टर बनाने के अपन सबसे पहले इसको बनाएंगे तो उसमें लगाएंगे बैटरी पे, बैटरी पे लगाते हैं। ये IR अगर कोई भी एक मसला करता है या IC इसके बेस से 19-20 है तो ये जल जाता है बार बार। अपना IR लगाते हैं तो उसी टाइम आप दुकान पे वो रुक जाते हैं, तो इसे शॉर्ट सर्किट इस टिक से बचने के लिए ये अपन इसमें सप्लाई यूज़ करेंगे। ये दोस्तों ये 8 एम्पीयर की सप्लाई है। जब तक अपना ये इन्वर्टर रेडी नहीं होता, तब तक अपन सप्लाई पे बनाएंगे इसको। ठीक है, बैटरी पे कनेक्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना, बैटरी पे कनेक्ट नहीं करेंगे, अपन सप्लाई पे बनाएंगे। सप्लाई पे बना के ओके करेंगे, फिर चेक करेंगे यहाँ पे एसी वोल्ट बन गए, मीटर पे चेक करेंगे अगर एसी वोल्ट बन रहे हैं भाई ओके है, फिर इसको करेंगे आराम से बॉडी में फिट करने के बाद, नट बोल्ट टाइट करने के बाद अपन बैटरी पे लगा के चेक करेंगे, इंशाल्लाह अपन रेडी हो जाएगा। असल में क्या है, कोई दोस्त मिस्त्री बनाता है, थोड़ा उसमें कोई मसला होता है, किसकी बेस कम है किसकी ज़्यादा है, तो इस वजह से ये IR 3205 जल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस शार्ट नुकसान से बचने के लिए मैं भाइयों को बताता हूँ अपन ये सप्लाई पे बनाएंगे। ठीक है, तो सप्लाई की तार लगाते हैं और फिर भाइयों को इसके बेस वोल्ट चेक कराते हैं, प्रॉपर आ रहे हैं या कितनी 19-20 है, अगर 19-20 है तो इसको रिपेयर कैसे करेंगे, सारा कुछ मैं बात भाइयों से बात शेयर करता हूँ। और अगर कोई दोस्त पेज पे नया आए तो पेज को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियो जो भी भाई को मिले डीसी के बारे में। दोस्तों इन्वर्टर आएगा इंशाल्लाह, इन्वर्टर के बारे में दूंगा, चार्जर आएगा चार्जर के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, फैन के सर्किट आएंगे एसी डीसी में डीसी में जो भी इंशाल्लाह जो भी आएंगे बढ़िया बढ़िया जो टिक आती है भाई उसे शेयर करूंगा, जो जो अमूमन दिखने में आती है डीसी के कार्ड में डीसी के चार्जर में डीसी के इन्वर्टर में। तो कोई दोस्त पेज पर नया है तो पेज को सब्सक्राइब लाजमी करके रखे ताकि मरीज जो इन्फॉर्मेशन वीडियो जो भी हो सबसे पहले भाइयों को मिले। तो सबसे टॉपिक जब पहले मैं इसे डॉक्टर की तार लगा के चेक करते हैं, ये तो कैसे चेक करना चाहिए वीडियो पूरी देखना, इसकी के बगैर देखो। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों उस पर मैंने सप्लाई की तार लगा दी, इसकी चिमटे की तार नहीं लगाई। ठीक है दोस्तों, ये देखना बैटरी चिमटे इसके ये पड़े हुए, सिर्फ सप्लाई की लगा के उसमें बत्ती वर्क कर रही। अब इस पर अपन चेक करेंगे इसके बेस वोल्ट ओके आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये चेक करो बेस वोल्ट इसके 5 वोल्ट आ रहे हैं, इसके बाद इसके चेक करने 5 वोल्ट आ रहे हैं, अब इसके चेक करने 5 वोल्ट आ रहे हैं, इसके चेक करने 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी बेस वोल्ट तकरीबन प्रॉपर आ रही ओके आ रही। तो अगर किसी दूसरे चार्जर में चेक किया है तो उसमें किस में कम आ रही है किस में ज़्यादा आ रही है, तो ये मसला हल करने के लिए पिछली एक वीडियो मैंने शेयर किया था, अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है, उसमें मैंने पूरा रिपेयर किया था। तो इसमें ऑलरेडी बेस प्रॉपर बन रही है,
अब इसमें ये 32.05 लगाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं इस फिल्टर पे वोल्ट बने या नहीं बने। अगर बने हैं तो फिर सर्किट में, ठीक है दोस्तों, एसी वाले एरिया में ये स्टेबलाइजर एरिया होता है, इसको बनाएंगे। अभी इसमें लगाते हैं 32.05, फिर 22 शेयर करते हैं वोल्ट बने कि नहीं बने। देखो दोस्तों, उसके मैंने 32.05 लगा दिया, उसको करते हैं चेक। देखिए मैं तार लगा रहा हूँ, 32 की रेडी हो गई, वर्क कर रही है। मीटर अभी रखे रहेंगे, मीटर रखेंगे टाइटर पे, अभी इस फिल्टर पे वोल्ट चेक करेंगे बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके वोल्ट बन गए, इसके वोल्ट बन गए तो अभी इसमें लगाएंगे अपन 740 लीटर पे। 740 लगाने से पहले अपन इसको कर लेंगे डिस्चार्ज फिल्टर को, फिल्टर में करंट हो जाता है जमा, इसे कर लेंगे डिस्चार्ज। डिस्चार्ज करने के बाद अपन चेक करेंगे दोस्तों, एक दो रस्म चेक करनी होती है। ये वाली लिखी, ये 100 ओम्स की रस्म लगी हुई है ये वाली, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये 4.7 ओम, ये दो 4.7 की, ठीक है दोस्तों, नहीं है ये 100 ओम्स की 4.7। ये दो रस्में लाजमी चेक करनी है, इसमें कोई भी एक वीक हो गई होगी तो मसला करेगी। मैंने ऑलरेडी इसमें चेक किए हैं, ये सही है। अभी इसमें लगाते हैं 740 दोस्तों। ये इसी तरीके से अपन इन्वर्टर बना सकते हैं। अगर कोई नया बंदा डीसी का काम नया कर रहा है तो वो ये वीडियो देख बना सकता है इस तरीके से, और ये पेज भी सब्सक्राइब करके रखे ताकि मरीज में इंफॉर्मेशन जल दूँगा भाई को, इंशाल्लाह वो काम की दूँगा। डीसी का आजकल बहुत काम आए सोलर का, ठीक है दोस्तों, जोर चल रहा है डीसी में। इंशाल्लाह जो भी काम होगा, इंशाल्लाह 12 वोल्ट का इन्वर्टर हो गया, 12 वोल्ट का चार्जर हो गया, इसमें अलावा 12 वोल्ट के मोबाइल चार्जर हो गए, 12 वोल्ट के कंट्रोलर हो गए, 12 वोल्ट के छत वाले फैन, 12 वोल्ट के पिस्टन वाले फैन, सारे के भाई को इन्फॉर्मेशन दूंगा जैसे जैसे आते जाएंगे मेरे पास, मैं वीडियो बना के अपलोड करता जाऊँगा दोस्तों। तो अभी इसमें मैंने ये लगा दिए 740 के, लगाते टाके टाके लगा के फिर भाई को चेक कराते हैं प्रॉपर रेडी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं ऑलरेडी ये सप्लाई भी चेक कर रहा हूँ, ये जहन में रखना। इसमें 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट नहीं करने, बैटरी में इंपेयर होते ज़्यादा, जब तक अपन इसमें बना रहे हैं तब तक अपन सप्लाई से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जहन में रखना, बना के रेडी करके फिर करेंगे इसमें बाटिंग। दोस्तों इसमें IR 740 लगा दिए, इसको करता हूँ चालू, सप्लाई पे चालू करना है। ठीक है दोस्तों, सप्लाई पे मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी बत्ती हो गई है रेडी, इससे करते इसमें वोल्ट आए ही नहीं। सप्लाई पे चेक करना, सप्लाई पे चेक करोगे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, इसमें IR वगैरह जलने का खतरा होता है वो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसकी सप्लाई बन गई बल्ब ओके, अभी बैटरी पे अपन लगाएंगे तब जब इसको बॉडी में फिट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बॉडी में फिट करके फिर उसको प्रॉपर अपन चेक करना है बैटरी भी ओके हो गया या नहीं ओके। ठीक है दोस्तों, मैं जैसे आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और रिपेयर करने का तरीका बैटरी में तरीके से रिपेयर करोगे आपका नुकसान नहीं दिया होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके था आपके, मिलते हैं अगली वीडियो में, याद रखना।